हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, कुछ लोग बीमार भी होंगे, तो गेट वेल सून। तो अभी हम लोग आए हैं अमरूद निकालने। उससे पहले हम थोड़ा झूला झूलने आए हैं, झूला झूलने नहीं, थोड़ा झूलाने। और ये हमारे बड़े भाई साहब भैया ने लगाया है झूला, बच्चों वाला। लेकिन इस झूले पर सबसे पहले कौन बैठा है? तुम्हारी दादी माँ मम्मी बैठे सबसे पहले इस झूले। मम्मी ने उद्घाटन किया कल इस झूले का, फिर अंश परीक्षित सौम्य और फिर प्रीति। मिट्ठू जी नहीं बैठे अभी। और मैं कुछ और दिखाऊं आपको, एक सुंदर सी चीज, खीरा। और साथ में इसका छोटा बच्चू भी है, छोटा बच्चू। यह और भी है छोटे छोटे। तो अब हम लोग जा रहे हैं अमरूद निकालने। ये हमारा पहला अमरूद का पेड़, लेकिन इसमें मुझे दिख नहीं रहे पक्के हुए, चिड़िया ने खा के गिरा भी दिए कुछ। ये एक ही है, दूसरा, दूसरे वाले में कुछ और वैरायटी है, फिर तीसरा है, मतलब पांच वैरायटी, चार या पांच वैरायटी के अमरूद हमारे घर में लगे हुए। और ये हमारा दूसरा पेड़, इसके अमरूद काफ़ी टेस्टी है, और चिड़िया ने, टेस्टी है तो इसलिए चिड़िया ने भी खा ली है। यूहू यूहू यूहू, सिमी के झूले में बैठने के मज़े। मिल गया मिल गया मिल गया, एक पक्का हुआ। भी बहुत छोटे छोटे से अमरूद। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सुबह यहाँ बंदर आए थे, इस वजह से अमरूद नहीं बना यहाँ पे। कल तो हमने देखे थे काफ़ी अमरूद थे, मैं भी सोचूँ उस रात में अमरूद गायब हो गए, तो ये बंदर का कमाल है। और हम आए हैं अभी एलोवेरा लेने। हम अभी निकाल लेते हैं एलोवेरा, क्योंकि परीक्षित के मुँह में हुआ है कुछ वाइट वाइट सा निशान। दवाई से तो ठीक हुआ नहीं, तो शायद एलोवेरा से। कौन सा निकालूँ? सिम्मी का गाना सुन, हट जा सामने से। ओए गिर गया यार ये एलोवेरा। तो अब हम आए अपने मेन पेड़ के पास, जो हमारा आंगन में, और जिसमें सबसे ज़्यादा अमरूद पके हैं, विद हमारे एलोवेरा लगा रहे हैं परीक्षित जी। तो अब हम निकालते हैं पेड़ से अमरूद। तो ये है हमारा अमरूद का पेड़, जिसमें बंदर नहीं पहुंच पाते यहाँ तक, क्योंकि आंगन में है। और इसमें लगे अमरूद जिसका हम खाते हैं रोज रोज। यार बहुत दूर है ये, भगवान कौन जो मैं धरती पे नहीं अमरूद तक। तो फाइनली पहुंच ही गए, दूर दूर से क्या अमरूद देखेंगे आप लोग। मम्मी हवा लग रही है, मैं अपने नजदीक से अमरूद दिखाऊं पेड़ से। परीक्षी पेड़ मत हिलाइयो, मिल गया एक, मुझे मिल गया। हवा लग रही है, पेड़ हिल रहा है। कहीं मैं अमरूद के साथ साथ नीचे खेत में ना दिखूं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अमरूद हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे इससे डाइजेशन ठीक रहता है, और अमरूद के साथ साथ इसके पत्तों के भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और आजकल वैसे भी अमरूद का सीज़न है, तो आजकल हमें अमरूद सीजनेबल फ्रूट खाने चाहिए। और हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट आजकल ये है कि सिमी वगैरह के लिए, स्कूल ले जाने के लिए अच्छे हैं, फ्रूट ब्रेक के लिए, बिना केमिकल वाले फ्रूट। और ये है हमारा यंत्र, जिससे हम जो पेड़ की टहनी है, जो पेड़ से नहीं निकल पाते अमरूद, इसे निकालते हैं। जैसे ये तो नज़दीक है ना, जो हाइट में, जैसे ऐसे करके इसकी टहनी नीचे ऐसे पकड़ के निकाल सकते हैं। कुछ नहीं मिला अगर को, छोटा बड़ा मीडियम कुछ भी नहीं, छोटा बड़ा मीडियम कुछ नहीं, दो के आदमी, छोटू सा भी नहीं, छोटू सा भी नहीं। पत्ते देंगे आशीष को, पत्ते देंगे हम तेरे को, तू पत्ते खाइयो। ये देखो कितने सुंदर है ना अंश, तेरी तरह। अंश तो गंदा है,
अमरूद तो हमने कर लिए हैं साफ, प्लेट साफ, और अब खाएंगे हम खीरे। और ये खीरे हमने काट के कर लिए तैयार। और पिक्षी ले कर आया है नमक, हरी मिर्च और नमक, जीरा वगैरह जो भी इसमें कुछ। तो कोई भी नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? तो अब हम शुरू करते हैं खीरा खाना, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।